वहां गिराव करके आप बेवजह लाठीचार्ज करा दो, जनता परेशान होती है, रास्ते जाम हो जाते हैं। आप पुकड़नी का मुद्दों के बाग में रैली करो, आप विद्याधर नगर में रैली करो, आप अंदर घुस के जयपुर की जनता को परेशान नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रही है, और इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि बीजेपी केंद्र में पिछले 9 वर्ष से शासन में है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। नोटबंदी क्यों की थी, नोटबंदी के बाद क्या हालात बने, आप मुझे ये बताइए। 1,000 और 500 का नोट भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया और ये कहा कि 50 दिन में हालात सुधर जाएंगे, GST लागू कर दी। 500 और 1,000 का नोट बंद करने के बाद 2,000 का नोट लेकर आए, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 500 और 1,000 का नोट बंद करने में और 2,000 का नोट चालू करने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये 50,000 करोड़ रुपए में देश के हर गरीब को रोटी और रोजगार अलग से भी मिल सकता था, बर्बाद कर दिए। अब थोड़े दिन बाद ही इन 6-7-8 वर्षों में वापस 2,000 का नोट बंद कर दिया। क्या 2,000 का नोट से अमीर आदमी के पास है? गरीब महिला भी 20-25-50-100 नोट शादी ब्याह के लिए इकट्ठे रखती है, वापस उनको लाइन उखड़े। आप कह रहे हैं 2,000 का नोट बंद करेंगे, तो आपको बंद करना था तो आप एक साथ लेते नोट, धीरे धीरे आते जाते बैंक में आप बंद कर देते। आपने 15 लाख और अच्छे दिन का वादा किया, कुछ नहीं मिला किसी को। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, उसमें कोई रोजगार नहीं मिला। टमाटर महंगा हो गया, गैस सिलेंडर ने तो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और पेट्रोल डीजल के तो हालात ये है भाई साहब कि इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम $61 प्रति बैरल है। अब इस वक्त 100 के पार पेट्रोल है, 100 के नजदीक डीजल है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी UPA की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल 70 रुपए लीटर के नीचे था। तो आपने टैक्स बढ़ा दिया। बार बार बीजेपी के प्रदेश के नेता इतने झूठ के जनरेटर हैं, डायलॉगबाजी बड़ी बड़ी करते हैं, शर्म नहीं आती। केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर, राजस्थान की सरकार का टैक्स उतना ही है जितना वसुंधरा जी के समय में टैक्स था 2014 में, उससे कुछ पैसे कम है टैक्स इस वक्त। इसलिए ये बीजेपी के नेता यदि कहते हैं तो झूठ बोल रहे हैं कि हमने टैक्स बढ़ाया। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया भाई साहब, टैक्स केंद्र की भाजपा सरकार ने बढ़ाया। तो बीजेपी को तो वोट मांगने का हक ही नहीं है। बीजेपी के नेता आपको चैलेंज कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को कह रहे हैं कि हम यदि जीत गए तो 100 यूनिट बिजली फ्री बंद कर देंगे, 200 यूनिट तक बिजली पे फिर टैक्स लगाना चालू कर देंगे, गरीब को गेहूं नहीं मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा, बच्चे जो रोडवेज में फ्री जा रहे हैं एग्जाम देने वो जा नहीं पाएंगे, 2,000 यूनिट तक किसान को बिजली है वो फ्री देना बंद कर देंगे। तो बीजेपी तो चैलेंज करके वोट मांग रही है। बीजेपी कहती है लड़ो भिड़ो दंगा करो और हमको वोट दो। तो बीजेपी काम के आधार पर डिस्कस करके वोट मांगे तो उनका हक है, लेकिन बीजेपी बिना काम के वोट मांग रही है, और ये घेराव नाटक है, झूठ है, धोखा है। लेकिन इस धोखे से सावधान रहो। बीजेपी पिछले 6 महीने से कैसे भी रेस में आना चाहती है, इस वक्त बीजेपी का विरोध है। बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो केंद्र के बात नहीं करती, केंद्र के काम सिर्फ बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता आते हैं वो कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, खुद के कामों के ऊपर कभी नहीं बोलते। तो बीजेपी को अपने काम बताने चाहिए, बताना चाहिए सिलेंडर महंगा क्यों हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हुआ, महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। बीजेपी ने खुद ने क्या किया वो तो बता दो भाई साहब, वो नहीं बताना चाहता। इसलिए बीजेपी जो नाटक कर रही है वो चलेगा नहीं। झूठ फरेब और धोखे की पार्टी बीजेपी है, जो झूठ के रास्ते पर चले, फरेब के रास्ते पर चले, जो धर्म और सत्य पर नहीं चले, जो इंसानियत को खत्म करने की राजनीति करते वही बीजेपी। इसलिए इनसे सावधान रहो। ठीक है, महाघेराव तो बिल्कुल फेल है, बीजेपी की भीड़ नहीं जुट पाएगी। बीजेपी अंतिम प्रयास कर रही है, बीजेपी जयपुर में जाम लगा देती है रोज, बीजेपी को कोई हक नहीं है। महाघेराव करके आप बेवजह लाठीचार्ज कराते हो, जनता परेशान होती है, रास्ते जाम हो जाते हैं। आपको करनी अमरूदों के बाग में रैली करो, आप विद्याधर नगर में रैली करो, आप अंदर घुस के जयपुर की जनता को परेशान नहीं करते, कर सकते बीजेपी के लोग। जयपुर की आबादी 50 लाख से ज्यादा है, बीजेपी के लोगों ये काम कोई भी कर सकता है। घेराव हम दिल्ली में जाएं घेराव करने के लिए, दिल्ली जाम नहीं हो जाएगी। इसलिए बीजेपी के लोग सावधान रहें। ये जो जयपुर की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं बार बार जाम करके, नाटक करना बंद करो, अपने करो ना आप रैली प्रदर्शन, पूरी भीड़ दिखाओ एक साथ। भीड़ होती नहीं है इसलिए नाटक करते हो, 500 आदमी इधर खड़े कर दो, 500 जयपुर पुलिस से टकराव करके, भीड़ की चर्चा नहीं हो, पुलिस से टकराव की चर्चा हो। बीजेपी के पास भीड़ नहीं इसलिए नाटक कर रही है। घेराव का यदि भीड़ है तो विद्याधर नगर में इकट्ठे हो, दिखाओ भीड़।